वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द ट्यूटोरियल्स गाइज। मेरा नाम है नफीस और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरीके से आप वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा पिछले 1.5 ईयर में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया COVID-19 की बीमारी से परेशान थी। सिर्फ हिंदुस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस और 3 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी है और ओवरऑल 18 करोड़ से ज़्यादा केसेस और 38 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। ऐसे में इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट जरिया है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने सबसे पहले 45+ के लोगों को वैक्सीनेट किया और अब 18+ के लोगों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप घर बैठे कैसे अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और आप भी वैक्सीन के लिए कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चैनल में आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि इस चैनल में जो भी नए वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए गाइस, करते हैं आज के वीडियो को शुरू। सबसे पहले आपका मोबाइल में फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल में जो क्रोम ब्राउज़र होगा वो क्रोम ब्राउज़र को ऑन करना है। उसके बाद सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है selfregistration.covin.government.in। जैसे कि आप देखिए, हम ऊपर में सर्च बॉक्स में टाइप कर चुके हैं और उसके बाद सर्च मारना है। सर्च मारने के बाद ऐसा एक पेज खुलेगा, ऊपर में लिखा हुआ रहेगा रजिस्टर और सिंग इन फॉर वैक्सीनेशन। तो उसके बाद आपको जो है नीचे में इंटर योर मोबाइल नंबर दिखाता होगा, आपको वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पूरा टाइप करना है। वो पूरा मोबाइल नंबर टाइप कर देने के बाद गेट OTP दिखा रहा है, वहाँ पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन में 6 डिजिट का एक OTP आएगा, जैसे आपको देख रहा है मेरा इसमें आ गया है 8847111। तो वहाँ पर आपको अपना OTP को इंटर करना है 8847111। इनवैलिड OTP, OTP का था, फिर से इनवैलिड OTP, सॉरी गाइज, एक बार चेक करना पड़ेगा OTP क्या था। 8847111, और हम यहाँ पे क्या टाइप करके रखा है, अच्छा गलती से 84 हो गया, तो ठीक करना पड़ेगा तभी सब कुछ ठीक होगा, वरना नहीं हो पाएगा। 8847111, वेरीफाई योर प्रोसेस। उसके बाद देखिए ऐसा एक फाइल वेलकम फाइल खुलेगा, आपके वेलकम पेज खुलेगा, आपके लिए रजिस्टर मेंबर दिखता होगा आपको, उसमें आपको क्लिक करना है रजिस्टर मेंबर में। उसके बाद आपका सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले प्रूफ ID देना है आपको, तो प्रूफ ID में आपको वो ID देना है जो आप कैरी करेंगे वैक्सीनेशन करने टाइम, यानी आप जब जाएंगे वैक्सीन लेने के लिए उस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे वही चीज़ यहाँ पर ऐड करना है। ऑप्शन में काफ़ी चीज़ें, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है और वोटर ID कार्ड भी है, लेकिन मैं आधार कार्ड पहले फिल कर चुका हूँ एक फॉर्म में, इसीलिए मैं अपना पैन कार्ड दे रहा हूँ। आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उसके बाद पैन कार्ड नंबर देना है आपको, अगर आधार कार्ड फिल करते हैं आप ID प्रूफ में तो आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, हम पैन कार्ड किए हैं इसलिए हमको पैन कार्ड का नंबर देना पड़ रहा है। पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद नीचे में नाम देना है, अपना नाम जो आपका पैन कार्ड में है, नफीस अहमद। उसके बाद आपको जेंडर लेना है, मेल, और साथ में आपका डेट ऑफ ईयर, कौन सा साल में आप पैदा हुए थे। उसके बाद रजिस्टर में क्लिक कर देना। उसके बाद आपका सामने ऐसा पेज खुलेगा, डियर नफीस अहमद, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर कोविड वैक्सीनेशन। ये मैसेज आ गया मेरा पास और एक पेज ऐसा खुलेगा। अगर आप चाहें तो अपना फैमिली मेम्बर को भी ऐड कर सकते हैं, टोटल एक बार में 3 आदमी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है एक ID से, तो मैं और 2 लोगों को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे नीचे में जो ऐड दिखाया है, ऐड में क्लिक करके यहाँ पे खुला है ये पेज, लेकिन मुझे करना नहीं है किसी और को ऐड, तो इसलिए मैं बैक कर दे रहा हूँ। ऐड मेंबर लिखा हुआ, यहीं से आप वहाँ पे जा सकते हैं। मुझे शेड्यूल में क्लिक करना है ताकि प्रोसेस आगे बढ़े। उसके बाद आपको यहाँ दिखता होगा एंटर योर पिन, तो मेरा एरिया का जो पिन है 7000017, उसको क्लिक करेंगे सर्च में। यहाँ पे एज दिखा रहा है आपको, एज 18+, 45+। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, वेस्ट बंगाल, और साथ में हमको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट मेरा कोलकाता है।
वेस्ट बंगाल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सर्च मारना है। सर्च के बाद ये पूरा खुल जाएगा, आपको साथ में दिख रहा है वहां पे ऊपर में एज लिखा हुआ है, कौन से एज आपको सेलेक्ट करना है आप दे सकते हैं, 18 प्लस या 45 प्लस। साथ में आपका दिया हुआ है आपको फ्री भी, फ्री वाला वैक्सीनेशन लेना है या पेड वाला लेना है। फ्री तो पूरा बुक ही होगा, पेड वाले के लिए आपको 780 रुपये पेड करना पड़ेगा। यहाँ आपको लेफ्ट साइड में वैक्सीनेशन का नाम भी दिखता होगा ऊपर में, और लेफ्ट साइड में तमाम हॉस्पिटल्स का नाम है जहाँ जहाँ कितना कितना सीट खाली है, 45 के लिए और 18 प्लस के लिए। वही एज सेलेक्ट कर ले रहे, 18 प्लस 45 भी आप कर सकते हैं अगर आप 45 प्लस है तो। उसके बाद आपको यहाँ फ्री और पेड दिख रहा है, फ्री के लिए देखिए पूरा बुक है, कहीं पे जगह खाली नहीं है, यही तो इंडिया का हाल है। और पेड के लिए काफ़ी जगह खाली है, अगर आप पैसा देते हैं 780 रुपये लगेगा आपको एक वैक्सीनेशन के लिए, फर्स्ट डोज के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारा अपोलो क्लिनिक में खाली है और काफ़ी सारा हॉस्पिटल है जहाँ पे पैसा देने पर इतना सीट आपको ऊपर में दिखता होगा 45 प्लस के लिए, नीचे में 18 प्लस के लिए खाली है। बगल में वैक्सीन का नाम भी है। अगर स्क्रॉल करके हम लोग नीचे जाएंगे तो तमाम हॉस्पिटल्स भी दिख रहे हैं, बहुत सारा हॉस्पिटल में तो जगह स्लॉट बुक है, कहीं पे भी जगह खाली नहीं है। इसलिए हम लोग ऊपर वाला जो अपोलो क्लिनिक था उसमें हम लोग अपना स्लॉट बुक करते। तो यहाँ पे आपको सबका सीट भी देख रहा है, कितना कितना स्लॉट सब जगह खाली है। तो जाहिर सी बात है मेरा एज 18 प्लस है, 45 तो हम नहीं हुए, तो हमको वैसा ही स्लॉट देख के क्लिक करना है। तो हम अपोलो में फिल किया है 18 प्लस में, तो यहाँ देखिए ये पेज खुल गया। सेलेक्ट टाइम स्लॉट है, आपको 9 से 10 का टाइमिंग चाहिए, 10 से 11 का टाइमिंग चाहिए, 11 से 12 का टाइमिंग चाहिए, या 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइमिंग चाहिए। यहाँ पे आप जो भी टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे, 15 जून का हम लिए हैं, यहाँ पे कंफर्म बटन दबाने के बाद वो कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को डाउनलोड करके अपना पास रख लेना है। और जब हम वैक्सीनेशन के लिए 15 जून को 11 बजे जाएंगे, 11 से 12 का बीच में, तो वो फॉर्म लेकर जाना है। और साथ में जो हम आईडी प्रूफ भरे वो आईडी प्रूफ लेके जाना है, क्योंकि हमको ये कराना नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कंफर्म बटन नहीं दाब रहे। उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल का जो लेटेस्ट अपडेट वीडियो रहेगा वो आप तक सबसे पहले।